मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल। यहाँ पे हमने क्या करा, क्या चीज मीडिया का, हाँ हाँ ये इंटरनल कर दिया मैंने, वो एक्सटर्नल की थी, अभी मैंने इंटरनल कर रहा, यहीं पे लिख दिया मैंने, ठीक है। सी एस एस के नीचे लिख सकते हो। तो अब आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये फॉर्म को नीचे भेजना है। तो मैंने लिखा डॉट फॉर्म, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी ना, यहाँ मैंने पोजीशन स्टैटिक कर दी। स्टैटिक पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन होती है, तो इससे क्या होगा, मोबाइल में नीचे आ गया, देखो सिस्टम में ऊपर आ रहा है, मोबाइल में नीचे आ गया अपने आप, आया समझ में। तो पोजीशन स्टैटिक इस तरीके से काम करती है। मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करता हूँ इसका, देते 100%। तो सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। पोजिशन स्टैटिक ये काम करती है। ये आ गया, हमें सब कुछ कर लिया ऑलमोस्ट। एनटीए चाइल्ड सीखा आपने, चलो एनटीए चाइल्ड देखते हैं। मेरे पास ना क्या है, एक बॉक्स है, डॉट बॉक्स, इसका नाम देता हूँ मैं वन। इसमें कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक के नीचे एक आ रही है, ठीक है। इसके पीछे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो इनके बैकग्राउंड कलर क्या आ जाएंगे, ये ना बैकग्राउंड रेड आ गए। मैं चाहता हूँ एक का रेड आए एक का ब्राउन आए कलर, तो आप क्या करोगे, यूं लिखोगे डॉट बॉक्स एनटीए चाइल्ड वन बैकग्राउंड कलर सियान, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं, बॉक्स एनटीए चाइल्ड वन टू करते हैं, चेंज क्यों नहीं हो रहा, बैकग्राउंड सही है ना, डॉट बॉक्स एनटीएच एनटीएच हाइफन चाइल्ड टू बॉक्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सही तो है, गूगल पे देखिए। हम क्यों नहीं कर रहा ये एन टी एच चाइल्ड टू बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट लगा के देखें, हम नहीं कर रहे इधर एन टी एच हाइफन चाइल्ड, दोबारा लिख लेते हैं एक बारी डॉट बॉक्स। अच्छा अच्छा ये हाँ, ये किसी पेरेंट में होना चाहिए, तो एक पेरेंट बनाना पड़ेगा हमें, उसके अंदर इसको सारे सबको रखना पड़ेगा, बस अब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपने डॉट बॉक्स एन टी एच चाइल्ड टू बैकग्राउंड कलर ग्रे, ये देखो हो गया। Thank you.
ये देखो अलग अलग कलर हो जाएगा, अलग अलग नंबर पे अलग अलग कलर डाल सकते हो। समझ में आ गया चीज। अब देखते हैं हम इसके अंदर कि अगर हमें ऑड इवन, ऑड इवन कराए कराए, एक का बॉक्स का कलर अलग एक का अलग, ठीक है ऑड इवन करा दिया, ठीक है। अच्छा स्ट्रोक में कि अगर कोई टेस्ट की स्ट्रोक बोलता है कि डालनी है, वो पता है उसमें कैसे आती है? चलो वो भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने H1 लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्सा कोड, ठीक है। चेक करते हैं, देखो हेक्सा कोड लिखा रहा मैं, चलो आउटलाइन आए फिल ना आए, तो आप क्या करोगे इसके लिए? आए H1 फॉन्ट हाइफन साइज 100 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट फैमिली सेरिफ, बॉर्डर नहीं चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पे हाइफन टेस्ट हाइफन स्ट्रोक, ठीक है 2 पिक्सल। ब्लैक सॉलिड, ठीक है। फिर लिखना यहाँ पे कलर ट्रांसपेरेंट, इससे क्या हो जाएगा? वेबकिट क्या होता है? वेबकिट लिखने से ना ये ब्राउजर पे सपोर्ट करने के लिए होता है। तो देखो हेक्सा कोड क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से आ रहा है। समझ में आ गया? मैं चाह क्या रहा हूँ, हेक्सा में ना जो HEX है ये प्योर ब्लैक आए और ये आउटलाइन बस आए, ऐसा चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे, इतने सेक्शन को स्पैन टैग, स्पैन टैग कराए। डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होता है? इंटरव्यू पूछता है, डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होता है? जो डिव होता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने डॉट बॉक्स के अंदर जो स्पैन है उसका बैकग्राउंड कलर, जो उसका कलर जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, ये कोड ऐसा आ रहा है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नीचे नहीं आएगा। ब्लॉक होता अगर डिव यूज़ करते स्पैन की जगह तो कोड नीचे आ जाता, ठीक है। तो दोनों वो क्या करता है, डिव एलिमेंट पूरा ब्लॉक लेके चलता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो समझ में आ गया ना? ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी हो गया। ग्रेडियंट डालना आता है टेस्ट के अंदर, ग्रेडियंट और सीखते हैं। मैंने ना फिर से ना क्या करा, एक और H1 लिया और ये मैं डाल रहा हूँ किस में, यहाँ पे सेक्शन में। लिखा हुआ रहा, ठीक है। मैं चाह कह रहा हूँ कि ना इसमें ग्रेडियंट आ जाए, तो ग्रेडियंट डालने के लिए आपने क्या करना है, कहाँ लिखा हुआ ये H1, ये रहा H1 में। तो मैंने पहले H1 की क्लास दे दी हेडिंग, यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप हेडिंग, ठीक है। बैकग्राउंड हाइफन फ्लिप टेस्ट भी लिखेंगे, और हाइफन आगे वो भी लिखेगा वेबकिट, क्योंकि कुछ चीज़ें ना सपोर्ट नहीं करती ब्राउजर्स पे, तो उसके लिए जो सपोर्ट नहीं करती उसके लिए हाइफन वेबकिट यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आप लिख, आपको लिखना है, मुझे कुछ नहीं हुआ ना टेस्ट के। अब लिखना है आप बैकग्राउंड लीनियर हाइफन ग्रेडियंट रेड कॉमा ब्लू। अब क्या हुआ, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। बैक हाइफन बैकग्राउंड हाइफन क्लिप हाइफन टेस्ट बैकग्राउंड हाइफन लीनियर हाइफन ग्रेडियंट दिस, ठीक है। और क्या हो गया, ये क्लिप क्यों नहीं हो रहा अभी? हाइफन वेब किट हाइफन बैकग्राउंड हाइफन क्लिप टेस्ट से, ठीक है। हेडिंग और
बैकग्राउंड हाइफन लीनियर हाइफन दिस कलर, ये पहले लगेगा ठीक है। तो इससे क्या हुआ, फिल के अंदर ये कलर आ गया हमारे पास। स्ट्रोक नहीं चाहिए होगी तो हटा देंगे इस स्ट्रोक को, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम फिल के अंदर यानी टेस्ट के अंदर भी स्ट्रोक वो डाल सकते हैं ग्रेडियंट। तो मैं कितने भी कलर ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। गया ना, तो इस तरीके सेट कर सकते हैं। तो सब हो गया क्लियर है आपको, और कुछ ऐसा मैंने जो नहीं कराया। एनिमेशन आ गई हमें ठीक है, और रिस्पॉन्सिव करना आ गया। एनिमेशन बता दूंगा वीडियो, पहले मैं टॉपिक समझने देखने दो। सुनील तू बताइए तेरे को क्या क्या टॉपिक कराए थे मैंने सीएसएस में। स्टार्टिंग से बताइए क्या क्या टॉपिक कराए थे। मेन्यू बार कराया सबसे पहले मैंने, है ना। ड्रॉप डाउन बताया था, ड्रॉप डाउन तुम्हारा भी हो गया ठीक है। फॉन्ट फैमिली बताने थे कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट की प्रॉपर्टी पता चल गई। एनिमेशन कराई थी ठीक है, होवर इफेक्ट कराया था, बिफोर आफ्टर करवाया, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं वो बताया मैंने, और पोजीशन 5 बताई, और इनलाइन सी एस एस बताई, इंटरनल सी एस एस बताई, एक्सटर्नल सी एस एस बताई। इसके अलावा और टॉपिक बताइए मुझे, वन पेज साइड बताइए, और कोई टॉपिक जो तुझे कराया हो। ये तेरे को मैंने सारे कराए थे ना टॉपिक, याद है मुझे। फिल्टर हो गया फिल्टर करा दिया, फिल्टर करा दिया ना वो जिसमें ब्लैक ब्लैक एंड वाइट इमेज करनी होती है। हाँ, और ट्रांसफॉर्म रोटेट, चलो वो मैं एनिमेशन में करा देता हूँ। और सूडो क्लासेस करा दी, और कुछ इसमें कल जो हो गया अब ठीक है। अब वेबसाइट में लेके चलते हैं, अब एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं ठीक है। अब ना एक डिज़ाइन करेंगे 5 पेज की साइट ठीक है। मैं एक डिज़ाइन निकाल के दे रहा हूँ, एक ना हमें ना लोन के ऊपर वेबसाइट बनानी है ठीक है। ये मतलब लाइव प्रोजेक्ट रहेगा हमारा ठीक है। एक वेबसाइट बनानी है, मैं दिखा देता हूँ रेफरेंस क्या रहेगा। पर रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट पूरी ठीक है। फिर इसके बाद नया टॉपिक करेगा, पहले 5 पेज की ऐसे बना रहे फिर करेगा। क्या नाम है उसका, CA। हाँ ये वेबसाइट है ठीक है, ये डिज़ाइन करनी है, रिस्पॉन्सिव है ठीक है। बट ये पॉपअप वाले इफेक्ट नहीं बनाने तुम्हें, बस सिंपल सी बनानी है ठीक है। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन कंटेंट ये रखना है, कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेंज करनी है। ये वाली वेबसाइट है, ये मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। और कंटेंट जो रखना है मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इस तरीके का रखना है, कंटेंट इसका उठाना है ठीक है। डोमेन ये सब लोगो वोगो सब इसके उठाने हैं ठीक है। तो ये डिज़ाइन करना है हमें, तो ये वाली एक साइट ले लो। कितने पेज की हो गई है, होम पेज बनेगा इसमें, सर्विस पेज बनेगा, क्या क्या सर्विस है इसके अंदर, FAQ बनेगा, रिव्यू सेक्शन बनेगा, इनकम का ऑप्शन बनेगा, पेज क्लिक करने पे ओपन होने चाहिए ठीक है, कॉस्ट हो गया और कॉन्टेक्ट हो गया, ये सारी कॉस्टिंग हो जाएगी। और कंटेंट पेज हो गया, ये पूरा डिज़ाइन करना है। हाँ
तो ये बैठ जाओ, इसका कंटेंट कलेक्ट करो और इस पर काम करो, ठीक है। इसी के अंदर जो चीज़ें हमने नहीं करी होगी, जैसे तुम कह रहे हो क्या नहीं करा हमने, ट्रांसफॉर्म रोटेट है ना, वो नहीं करा ना, तो वही मैं इसी में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये साइड को ये बैठो, और एक साइड पर इसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है साइड है। आपको ना बिल्कुल सिंपल थोड़ा उसमें रखनी है, अपने हिसाब से डिज़ाइन देख लो। अच्छा, डिज़ाइन कैसे देखोगे, आपके पास ना रेफरेंस के लिए ना एक वेबसाइट है, थीम फॉरेस्ट, यहाँ से आप थोड़ा सा ना इसी से रिलेटेड रेफरेंस ले सकते हो। इस पे जाना, यहाँ सर्च करना GST, GST से रिलेटेड है, GST से रिलेटेड कुछ नहीं आई। लोन सर्च करते हैं, लोन, ठीक है। ये देखो ये सारी अलग अलग साइट आ रही है, तो ये वाली साइट ले लेते अपन, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन करना है, एनिमेशन नहीं डालनी है, बस सिर्फ कंटेंट कंटेंट इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो होम पेज हो गया इसका, अबाउट पेज हो जाएगा, सर्विस पेज हो जाना चाहिए ऐसे, दो एक एक दो सर्विस डाल देना बस, और कंटेंट पेज आपस में लिंक होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे लिंक करना है। तुम्हें सिर्फ पहले पेजेस बना लेने हैं, ठीक है। आज तारीख क्या है हमारे पास, 28 तारीख, 1 2 3, ये 3 दिन, मंडे से नया चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। ये 3 4 दिन जो तुम्हारे पास बच रहे हैं, इसके अंदर बैठ के एक 5 पेज की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। जो जो चीज़ें नहीं आ रही वो मुझसे पूछनी है, वो मेरे से पूछ लेना कैसे काम करेगा। जैसे तुम्हें अगर होवर नहीं आ रहा, ये ड्रॉप डाउन तुमसे रिस्पॉन्सिव नहीं बन रही, पर ऐसा मत करना कि पूरा कोड कर लो फिर मुझे दिखाओ। जैसे जो सेक्शन में दिक्कत आ रही है, हाथकेट चेक करना रिस्पॉन्सिव हो रही है नहीं हो रही, और मुझे हाथकेट चेक करवा लेना, हाथकेट मुझे पूछ लेना, ताकि उससे क्या होगा कि ना मुझे ना ढूंढना नहीं पड़ेगा कोड, ठीक है। तो ये वाली साइट ले लो, ये रेफरेंस ले लो साइट, और ये वाली साइट ले लो GST, ये तुम्हारा एक लाइव प्रोजेक्ट हो जाएगा इसमें। HTML और CSS का भी हमने और कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ HTML और CSS बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे इसके अंदर, और देखो इसमें क्या क्या चीज़ की और ज़रूरत पड़ रही है, पूरी वेबसाइट में देखना क्या। अच्छा देखो, ये बीच में क्या हो रखा है, एक ऑरेंज कलर दिखा रखा है, ये पता है तुम्हें कैसे होगा, मेन्यू बार के अंदर। ये देखो हमारा कहाँ है, ये रफ इसमें बना हुआ कोई होम पेज, ये रहा ना, चेक करते हैं इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ, ये मैं चाहता हूँ ये ना हाईलाइट दिखाए ब्राउन कलर से, तो आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको यहाँ LI में ना क्लास लगा देनी है एक्टिव, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना फुल स्टॉप एक्टिव, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऐसे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो अलग अलग कलर दिखा सकते हो इसकी, तो बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, सेम बनाने की कोशिश करो, जो जो चीज़ नहीं आएगी ना, तो क्योंकि जब बनाओगे ना तो पता चलेगा कि कुछ रह रहा है, तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पूरी साइट बनाने की कोशिश करो, ये यहाँ से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना है, और डिज़ाइन ये करना है, ये डिज़ाइन करना है, हाँ। या इससे अच्छा तुम्हें कोई दिखे तो वो देख लेना, थीम फॉरेस्ट में बहुत सारे मिल जाएगी रेफरेंस, तो ये बनाओ बैठ के अब, ठीक है। मुनीम जी डॉट इन वेबसाइट का नाम लिख लो, मुनीम जी डॉट इन, कंटेंट यहाँ से उठाना है, और टारगेट लेके चलो मुझे ना कल तक, ना कल नहीं परसों तक क्लाइंट को दिखानी है होम पेज, तो परसों तक पूरा होम पेज रेडी हो जाए, ठीक है। ये डोमेन का नाम है, इसका मेन काम क्या है, ITR भरता है, ये GST भरता है और TDS भरता है, ठीक है। निकालो बैटरी इसके ऊपर, करो उसके बैठ के, ये रिकॉर्डिंग